Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we will discuss the chapter 9 of SCERT class 12 Kerala board anthropology book. So let's get started with the unit 9, that is applied and development anthropology. अब हमें समझना होगा कि एंथ्रोपोलॉजी है या डेवलपमेंट हो रही है तो क्या चीजें हो रही, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का यूज क्या है, अप्लाइड मतलब कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन करना, तो क्या हम देखते हैं कि क्या हम पब्लिक सर्विसेज रोल में ये काम आ सकती है, सोशल इश्यूज में काम आ सकती है, तो किस तरीके से हम एंथ्रोपोलॉजी को एटलीस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नाउ हम ये देख सकते हैं कि ये स्टोरी आप देख सकते हैं इस बॉक्स में जो आपको दिख रही है, कैसे लोग एक अलग अलग कल्चर, एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। बट बिफोर वी विल मूव, देयर इज वन मोर स्पेशल थिंग फॉर यू गाइस। एक और आपके लिए एक स्पेशल चीज आ जाती है, हम 1000 क्वेश्चंस फॉर मेंस जो आपके यूपीएससी के आते हैं सिर्फ 149 रुपीज में आपको सारी कंपाइल्ड बुक मिलेगी, पूरे अभी तक 2022 की इवन मेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रॉपर, जहाँ पर ये पी वाई क्यूज हैं, टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे जो आपकी सबसे खासियत है कि दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आल्सो। सो 1985 से 2023 तक एंटायर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, नॉट ओनली दैट इवन दे आर अरेंज्ड टॉपिक वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। और आपको इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक और किताब आ जाती है 999999, आपके प्लस एंथ्रोपोलॉजी के एमसीक्यूज हैं इसमें। सो यू आर द फर्स्ट एवर यू आर गोइंग टू गेट द एक्सटेंट फॉर दिस। आप देखेंगे इसमें 1000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड अगेन दिस इज आल्सो कॉस्ट द सेम 149 रुपीज। सो वी नाउ वी विल सी हाउ दिस अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कम्स अप। तो पहले आपको समझना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं इसमें बहुत सारे थ्योरीज एंड मेथड्स आते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, जैसे कि आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे एनजीओज हैं, एथनिक एसोसिएशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एनहांस करती हैं ह्यूमन सोशल कंडीशंस को। बट अगर हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो 1920s में टर्म आई, बढ़ते बढ़ते 1930s में ये आगे फर्दर एक्सपैंड। 1860s से आप इसकी शुरुआत देखेंगे तो बहुत सारी आप देखेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी थी जो फोकस करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कि आपको कोई भी चीज कैसे देखनी, ये लोग तो अप्लाई करते हैं बेसिकली, बट अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कोई भी अपने मेथड समझे, सोशल रिलेशनशिप समझे, उसको अप्लाई करना। सो एंथ्रोपोलॉजी टेक्निक्स और सेल्फ हम देखते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो फ्रांस बोथ जिसका ही इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही टॉक्स अबाउट दैट हाउ एंथ्रोपोलॉजी समवेयर एनेबल्स, एक हमें क्या देती है, फ्रीडम देती है प्रॉब्लम्स की जो सिविलाइजेशन में हो रही है, ठीक है। नाउ अगर आप बात करें कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है जो क्या फोकस करती है कि कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे किसी को प्लान करना है, हाँ ये क्या इन्वॉल्व करती है, स्टडी पढ़ना, बैकग्राउंड की प्रोफाइल को देखना, बिहेवियर पैटर्न्स को समझना, एटीट्यूड्स को समझना, कल्चर को समझना, तो एक पैटर्न्स होते हैं उसको समझना, दैट इज नोन एज द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। नाउ अगर हम डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी देखें तो कहीं ना कहीं क्या एम्फोसिस करेंगी, लोकल कल्चर को समझना, कस्टम्स को समझना। बिकॉज अब जब हम डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी, आप क्या कह रहे हैं कि कैसे, अभी आपने बोला अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, दूसरी टर्म है डेवलपमेंट, कि जो चीज एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है जिसमें हम सोसाइटी को वो देख रहे हो कि कैसे कैसे एक चीज पे एक स्ट्रैंड बना, तो वो पहले छोटे से छोटा समझेगी और फिर समझेगी कैसे वो डेवलपमेंट कल्चर पे लगती जा रही है। इसमें हम देखेंगे बीच में कुछ कल्चर ब्रोकर्स होंगे, ट्रांसलेटर्स होंगे, मतलब कोई ना कोई मिलके आपको वो डेवलपमेंट वाली जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये डेवलपमेंट स्टेट है, उस तक पहुंचा रहा है, कि आपको कोई ट्रांसलेट टेक्स्ट करके देगा एंशियंट, तब आप समझेंगे। तो सिमिलरली ऐसे ऐसी जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो बेसिकली कहाँ काम करते हैं, वो मेडिटेशन में, एडवोकेसी वर्क, क्राइसिस में जब आपको प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सब में हमें क्यों चाहिए होते हैं, बेसिकली दीज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट से एक सेम टर्म आती है, दैट इज एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जो टर्म है वो सोल टैक्स ने एम्फेसिस की थी, मीन्स जहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सी चीजें करोगे, एक्शन ओरिएंटेड एफर्ट्स की, मीन्स आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट में वो चीजें करेंगे कि आप सीधा काम करना, अब अप्लाइड तो है कि आपने कोई थ्योरी को अप्लाई करना,
एक्शन में क्या करोगे आप, सीधा चीजें वो करेंगे कि यस यू हैव टू, आपको पता है कि गोल क्या है और आपको उसको सूट करना, आपको उसको फीड करना है. नाउ देयर आर सर्टेन अप्रोचेस टू ट्राइबल एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर. अब कुछ ऐसी ट्राइबल डेवलपमेंट और वेलफेयर की अप्रोचेस थी. पहली है सोशल सर्विस अप्रोच. सोशल सर्विस अप्रोच किसने दिए, एवी ठाकर ने. एवी ठाकर ने क्या बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, क्योंकि आपको एंथ्रोपोलॉजी चाहिए क्यों, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. कुछ एक्टिविस्ट होंगे जो वेल विशर्स हैं, जो हेल्थ सैनिटेशन की बात करेंगे, पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है, ये सब बेसिकली इसी चीज से आता है कि आपने लोगों को समझा और उनके लिए डील किया. एवी ठाकर ने जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि लोगों को जैसे सोशल सर्विसेज है ओल्ड एज होम्स में अलग कर देना, ऐसा नहीं. वो कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बीच में लाए और उनके साथ डील करें. नो डाउट इस टाइम पे हम देख रहे हैं जैसे एथनिक लॉस है, ट्राइबल लॉस है, तो हम लोग उन्हीं को यही कर रहे हैं ना, एक साइड लाइन कर देते हैं जस्ट बिकॉज डेवलपमेंट हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है. देन देयर इज एन अनदर अप्रोच, दैट इज पॉलिटिकल अप्रोच. पॉलिटिकल अप्रोच में आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा ना कि वो लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, सो दैट उनको उन पॉलिसीज के बाद भी एक आफ्टरमैथ इफेक्ट ना आए कि वो एक्सक्लूडेड हैं, ये पार्शली एक्सक्लूडेड है. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कंटिन्यूसली सेफ गार्ड्स लाते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सोशल रियालिटीज पे बने. नाउ रिलीजियस अप्रोच ऑल्सो, मिशनरीज आए, मिशनरीज नो डाउट यही चीज है, मिशनरीज आए तब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात की है कि जैसे दलित्स, दलित्स को बहुत एक एस्पेक्ट मिला कि वो मूव ऑन कर सकते हैं, अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो उनको जो शूद्र वाला कंसेप्ट है ये अनटचेबल वाली फेस नहीं करना पड़ेगा, अनटचेबल लिबर्टी वॉल जैसी हमने बात करी थी, यूनिटी रिलीजन थ्रेट से बच पाएंगे. सो अभी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है इन सब में, नो डाउट हर एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक अलग मेथड, अलग थ्योरी और अलग मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है. हिस्टोरिकल अप्रोचेस भी ली जाती हैं, जहां हम बात करते हैं कि आइसोलेशनिज्म ना हो, पार्कलैंड अप्रोच, जहाँ पे पार्कलैंड बेसिक अप्रोच किया कि आइसोलेशन करनी चाहिए, कि ट्राइब्स को अगर आप रखेंगे तो ही वो खुश रहेंगे बिकॉज उनका नेचर है. सो एवरीबडी उसके बाद सब अपनी थ्योरीज डिबेट लेंगे, देन वी हैव टू कम अप विद एन इंटीग्रेट, क्योंकि आखिरकार आप आइसोलेट नहीं कर सकते और आप उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में भी नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज दे हैव एन ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर, तो वो मेन स्ट्रीम के लोग कहाँ जाएंगे. तो हम दोनों को कहीं ना कहीं एक ऐसे थ्रेड्स वीक करने हैं कि जहाँ पे हम एक प्रॉपर लेके आ पाए. अब फीचर्स आप देखेंगे कुछ साइंटिफिक स्टडी की हो रही है, ट्राइबल कल्चर की हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट एम्फोसिस हम क्या करेंगे, कल्चर रिलेटिविज्म, कि सबका जो कल्चर है वो एक ना एक तरीके से मिलता हो और इनसाइडर का हमें व्यू मिल जाएगा. नेहरू की अगर हम अप्रोच देखें तो ट्राइबल डेवलपमेंट में भी यही चीज हो रही है, जो उन्होंने बात करी पंचशील प्रिंसिपल, उन्होंने पांच हमें प्रिंसिपल दिए थे इन ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए. तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी समवेयर इम्ब्यूड हमारे अंदर है कि हमें सोसाइटी को समझ के वो वैल्यूज और प्रैक्टिस में लाना है. तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे ट्राइबल्स को डेवलपमेंट करनी है जो अपने ट्रेडिशन को कभी खत्म ना करें, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी है कि वो अपने के साथ साथ वो साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब वो सिर्फ अपने में नहीं रह सकते, द वे वी हैव आदिवासी या जो वो पहले अपने एक छोटे से सर्कल में रहते थे, अब वो बड़े एंटिटी का पार्ट बन चुके हैं, तो वो अकेले नहीं रह सकते. देन उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा उनका ह्यूमन करेक्टर, उनकी ट्राइबल सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वैसे ही रूरल की डेवलपमेंट की बात आती है कि रूरल को डेवलपमेंट में भी हमें ऐसी चीजें लानी है कि वो साथ में इकट्ठी आ पाए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है दैट इज समथिंग जो आम रिसोर्सेज आज भी यूज कर पाए पर हमारी फ्यूचर जनरेशन. जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अगर आप रूरल एरियाज में कोई चेंज ला रहे हो या रूरल एरियाज की आप कुछ इस तरीके से प्लान आउट वर्कआउट करेंगे चीजें कि ये भी काम कर पाए और फ्यूचर जनरेशन भी काम कर पाए. तो बेसिकली हमें थर्स्ट एरियाज देखने हैं रूरल डेवलपमेंट के, तो ये देखेंगे कि कैसे लिटरेसी प्रोग्राम्स और फीमेल लिटरेसी हो रही है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर सैनिटेशन फैसिलिटीज, तो ये सब दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों को पूरा डेवलप करना. लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, इक्विटी इन एग्रीकल्चर, लैंड ओनरशिप, इक्विटी मतलब सबको इक्वल लेवल पे गिनना, ठीक है. लैंड ओनरशिप मीन्स आप देखेंगे कि अब ऐसे रूरल डेवलपमेंट में आपको देखेंगे कि अब एक सिंगल इंडिविजुअल लैंड ना कर ले, सब इक्वल हो. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इरिगेशन फैसिलिटी करना, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बिकॉज जो चीज़ें रूरल एरियाज में अवेलेबल ही नहीं थी अब उनको प्रोवाइड करना हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, आप लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन करने लिए एम्फोसिस करेंगे कि कैसे जो रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल है उनको आप आ पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सो दीज बिकम एन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट. एंथ्रोपोलॉजी का हम रूरल देखें कि इसको समझने के लिए तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि अंडरस्टैंड क्या समझना पड़ेगा, लोकल कल्चर को समझना पड़ेगा.
कि कैसे छोटे से छोटा लोकल का कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है, ना कि तो एक लोकल कल्चर को हमें समझना है, साथ में क्रॉस कल्चर। अब एक गांव दूसरे गांव से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कल्चरली निट होगा, तो वो जो निश उन्होंने क्रिएट की है उस चीज को समझना, फील्ड वर्क करना, तभी हम समझ सकते हैं कि कैसे जो न्यू पॉलिसीज है उनको प्लान किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं नाउ डेज गवर्नमेंट इज एक्चुअली, और बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी चीज पे काम चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया इज बेसिकली, शुरुआत तो इसकी इन्वायरमेंट में हुई थी, जैसे हमने तो इसी चीज के लिए हमने क्या बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फ्यूचर जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं, पर हम जब सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन की डेवलपमेंट है, जहाँ पे आप कहेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि उसकी फुल पोटेंशियल यूज की जाए, पर ह्यूमन राइट्स भी मेंटेन रहे, हम ये ना हो पुश एंड पुल फैक्टर से ह्यूमन को मूव कर रहे हैं। यही चीज है कि वो अपने डिसीजन को और अपनी चीजों को डेवलप कर पाए। दैट्स कम्स आउट विद एन HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स मेजर्स होंगे। अब कोई भी चीज को, ह्यूमन की डेवलपमेंट को नापने के तीन पोर्शन होते हैं, जैसे लॉन्गेविटी कि वो लंबा जिए, नॉलेज उसके पास ज्ञान बहुत हो, और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली दे आर सो मेनी पीपल अराउंड इट, हम देख रहे हैं कि HDI का पर्पस और सिग्निफिकेंस बढ़ने से ही ये चीज आपकी डेवलप होती जा रही है। नाउ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं, दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। MDGs, ट्रेडिशन वर्सेस क्रिटिकल डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी एंड एंगेजिंग एंथ्रोपोलॉजी, ये तीन आस्पेक्ट हैं जो काम आते हैं। जैसे कि अभी हम सस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहे थे, रूरल डेवलपमेंट की बात की है कि, और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये ऐसा इंसान को डेवलप करना चाहिए कि इंसान की खुद की वो हो जाए। तो हम देखते हैं MDGs जब आए तो अब 2000 में ऐसे वर्ल्ड लीडर्स बने लगे, जहाँ उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, गोल सेट किए, टारगेट किए, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, लिटरेसी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो वे सबको कंट्रोल करना चाह रहे थे। बिकॉज एक्चुअली में क्या है, जब आप MDGs भी क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को डील कर रहे हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी में ही अपने आप में है। अब ये टाइम बाउंड है, एक उनके लिमिटेड टाइम बाउंड से सारे हो रहे हैं, और ये जो गोल्स हैं इनको नाप सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल और क्रिटिकल डेवलपमेंट की बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट की कैसे हम एक डेवलपमेंट को समझते हैं। देन शिफ्ट हम देखेंगे टूवर्ड्स क्रिटिकल डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी, आप देखेंगे कैसे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो बात करती है किसी बात को कल्चर इंफॉर्मेशन करना है सो दैट की डेवलपमेंट हो, पर हम उसको नहीं है, अब हम पॉलिसीज जो बन चुकी हैं उनको भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उनके प्रोग्राम्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये सही है, तभी हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम देख सकते हैं। अब सिर्फ हमें कल्चर नहीं समझना, हमें जो पॉलिसीज हो गई, जो डेवलपमेंट हो गई, हमें वो भी समझना है। देन देयर इज अ थर्ड पॉइंट दैट आस्क फॉर द एंगेजिंग एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक है, सब चीजों के बारे में समझेंगे, एंड देन वो इस चीज की इंटीग्रेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक्टिवली पूरा एंगेजमेंट कर रहे हैं, एंगेजिंग की पूरा चीजों को, हर एक आस्पेक्ट को समझेंगे, एंड देन वो अपनी सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट डायलॉग्स को इकट्ठे ला पाएंगे। विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन अबाउट दिस ई बुक। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन जर्नी। आपको अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना शुरू करना चाहिए, और इस बुक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक वन से आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि टॉपिक वन से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक पेज भी सारे दिए गए। बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे जाना है, किस अप्रोच से जाना है, कितना फोकस करना है। प्राइस इज जस्ट 149 रुपीज, सो यू कैन जस्ट फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो फॉर इट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू कैन कनेक्ट अस ऑन दी टेलीग्राम चैनल, जिसपे मैं आपके लिए फ्री PDF, आर्टिकल्स, वीडियो के लिंक्स, लेटेस्ट न्यूज सब कुछ पब्लिश करती रहती हूँ। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @Anthroholic, और यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम चैनल @Anthroholic फॉर एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।